दोपहर का 1 बज रहा है और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है। कोल्ड कफ खांसी, ये जो क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सभी में। तो मेरे को भी 2-3 दिन से बहुत ही फीवर, बुखार, हेडेक, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऊपर से आज गुरु दरबार में सत्संग है तो मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ। और अभी जल्दी से मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास। कोई डॉक्टर जी अच्छे से दवाई दे दो, मुझे सत्संग अटेंड करना है। ये खांसी की है ना सोमकल्प, तो ये खाती हूँ मैं, दवाइयाँ लेके आ गई हूँ मैं। और फ्रेंड्स आप भी अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, बदन को नंगा ना छोड़ें ताकि मच्छरों को प्यार करने का मौका ना हमें मिल जाए। तो मच्छरों से रहे दूर, डेंगू बहुत फैल रहा है, मैंने पहले भी आपको कहा था। अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल और मैं भी दवाई खा के थोड़ी रेस्ट करती हूँ। होश आई तो आपकी अनुराधा आपको मिलेगी अपने गुरु दरबार में। जय माता दी, जय गुरु जी। जैन बाज़ार का ये हाउस नंबर 142। जी हाँ, हाउस नंबर 142, यहाँ गुरु जी साक्षात हुए हैं विराजमान। और क्या रहस्य है इस 142 नंबर का? तो प्यारी संगत जी आपको मैं बता दूँ, 142 का मूलांक बनता है 7 और गुरु जी का नंबर है 7। तो यही एक जोड़ है गुरु जी से जो जोड़ता है इस घर को, जहाँ साक्षात गुरु महाराज जी इस 7 नंबर के मकान में विराजमान हुए हैं। क्योंकि गुरु जी का भी नंबर है 7 और इस 7 नंबर के मूलांक वाले घर में आज है गुरु महाराज जी का सत्संग। और बहुत ही संगत आई हुई है, ढेर लगा हुआ है संगत का, नीचे जूते चप्पलों का इतना भंडार है, बस मैनेज करके नहीं रखी गई हैं। क्योंकि क्या करें मैनेज, किस तरह करें संगत जी, इतनी संगत आ रही है। और गुरु जी बरकत डालते जा रहे हैं सीढ़ियों में, जंगले पे, कमरों में, छत पे, यहाँ देखो संगत ही संगत। मात्र एक झलक पाने के लिए गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने के लिए दूर दूर से आती है सत्संग करने के लिए ये संगत, दूर से आती है सत्संग करने के लिए ये संगत, अपने कष्ट मिटाने के लिए, प्यारे गुरु महाराज जी के आगे अपनी हाजिरी लगाने के लिए। और गुरु महाराज जी कर रहे हैं सभी पे अपनी कृपा। कितने दुखियों के दुख दूर हुए हैं, कितनी संगतों के कष्ट मिटे हैं, कितने कलेश मिटे हैं, कितनों की रोग बीमारियां दूर हुई हैं। बहुत ही साक्षात है ये घर। जय गुरु। हर एक शख्स को रहता है इंतजार कि कब गुरु महाराज जी के चरणों में हो सत्संग और हम वहां जाके अपनी हाजिरी लगाएं, सेवा करें गुरु महाराज की, अपने कष्टों को मिटाएं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाएं। खुशी हो जा गम, दुख हो जा तकलीफ, धूप हो जा छाँव, सब अपने दुख तकलीफें यही बांटना चाहते हैं अपने गुरु जी के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ, प्यारी गुरु संगत के साथ। क्योंकि गुरु महाराज ने दे दिया है एक ऐसा परिवार कि हमें अपने सगे संबंधी, सगे रिश्तेदार, नाते रिश्ते सब भूल गए हैं, अच्छा लगता है। तो बस अपना ये गुरु परिवार और प्यारे गुरु महाराज जी के साथ बिताना चाहते हैं, अपनी खुशियां उन संग मनाना चाहते हैं। और आज भी जन्मदिन की खुशी पर हमारी प्यारी आंटी जी ने अपने गुरु दरबार में सत्संग रखवाया है और संगत आती जा रही है, निरंतर आती जा रही है, संगत का आना रुक नहीं रहा। और गुरु महाराज इतनी बरकत डालते हैं, चाहे वो जगह की हो, चाहे हो वो लंगर प्रसाद की। प्यारे गुरु महाराज जी ने कहा था कि कलयुग में 3 बीमारियां पीक पर होंगी, कैंसर, शुगर और तलाक। जी हाँ, तलाक भी एक तरह की बीमारी है जो घर गृहस्थियों को बर्बाद कर देती है। तो गुरु महाराज जी ने कहा था जो मेरी शरण में आएगा इन 3 बीमारियों से बचा रहेगा। तो दूर दूर से आती है संगत अपने आप को इन बीमारियों से बचाने के लिए। कितनों की शुगर ठीक हुई है, कितनों के घर बसे हैं, कितनों को नौकरियां मिली हैं, कितनों के कैंसर तक रोग ठीक हुए हैं और कितनों को दूसरे जन्म मिले हैं। और गुरु महाराज जी करते हैं प्रसाद को ब्लेस। और आज भी हमारा ये कड़ा प्रसाद ब्लेस हो गया है, बंद डिब्बे में ये एक फूल की पंखुड़ी ये निकली है पेटल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम भी दिख रहा है संगत जी। जय गुरु जी।
प्यारी संगत जी जय गुरु जी। और ये देखिए हलवा प्रसाद को ब्लेस कर दिया प्यारे गुरु महाराज जी ने। जय गुरु जी संगत जी। ये देखिए इसमें एक रोज का पेटल पड़ा हुआ है, एक ही रोज का पेटल पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं कोई आना चाहेगा इस 7 नंबर के इस ब्लेस्ड घर में, या साक्षात गुरु जी विराजमान है, हमारे लिए आए हैं, जम्मू वासियों के लिए आए हैं। तो आओ ना मिलके गुणगान करें। क्यों ईर्ष्या रखते हो मन में, क्यों बैर दिखाते हो एक दूसरे के लिए, प्यार से इस सदगुरु का सत्कार करो, जय जयकार करो, अपने कष्टों को मिटाओ। ये मौके बार बार नहीं मिलते। अगर गुरु महाराज जी आए हैं तो उनको मान सम्मान दो, उन पर शक मत करो, इज्जत दो, अपने दुख कटवाओ, अपने कष्ट कटवाओ, उनको बढ़ाओ मत। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जिनके दरबार पर आज, क्या नाम है आंटी आपका, मैं भूल गई, सुषमा आंटी, संजय अंकल जी के परिवार ने यहाँ सत्संग कराया है, तो बहुत बहुत बधाई हो उनको। तो आज किसका जन्मदिन है आंटी आपका? तो अपने जन्मदिन की खुशी पे उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में ये सत्संग करवाया है संगत जी। तो हम सब की तरफ से ढेरों बधाइयाँ सुषमा आंटी को, मुबारकें हो आंटी। गुरु महाराज जी आपको खूब लंबी उम्र दें, सुख शांति दें, दुख तकलीफें दूर करें, खुशियाँ ही खुशियाँ दें। तो संगत जी आओ मिलके हाजिरी लगाते हैं, और इसके बाद सुषमा आंटी जी सबका शुक्राना करेंगी। जय जय गुरु जी। 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 धन धन 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 गुरु जी। वाह वाह 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 गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना। दात्या अपने चरणों में हाजिरी जो हमसे लगवाई है आपने सारी गुरु संगत से, गुरु परिवार से, उसका शुक्राना, उस पल का शुक्राना जब आप इस दरबार पे आए थे और सबकी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हो, हर पल का शुक्राना दाता, हर पल का। तो आंटी जी आप संगत का शुक्राना करो। जय गुरु जी। बस इतना ही, इतना सा शुक्राना। चलो जी, जय गुरु जी। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। संगत जी गुरु जी एक और दर्शन दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। ये देखो जो लाइव देख रहे हैं भाई वो तो देख रहे हो, जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे घर बैठे तो वो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। ये देखिए गुरु महाराज जी के टिक्के में ओम के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी हो रहे हैं, हो रहे हैं संगत जी, हो रहे हैं सभी को। जय गुरु जी। तो मैं थोड़ा और करीब जाके क्लोज करती हूँ, नहीं वो ना उस पे वो डॉट से पहले गए। ये देखिए संगत जी कितना क्लियर दिख रहा है, ओम में साक्षात गुरु महाराज जी के मत्थे में ना टिक्का दिख रहा है, टिक्के में ना ओम दिख रहा है, हड़बड़ा जाते हैं हम, बोलते कुछ है बोला कुछ जाता है। जय गुरु जी। तो बेचारे वही बात है कि गुरु जी प्रमाण देते हैं अपना होने का। जय जय
लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। घर जाते ही गुरुजी मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं फिट फाट हो जाऊं, उसके लिए एडवांस में शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी का, जब बैंड शुरू हुआ गुरुजी का, तो तब से मेरे अंदर ऐसी पॉजिटिवनेस आ रही है, मेरी इतनी गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं, बार बार गुरुजी ऐसे लग रहे हैं जैसे विराजमान है मेरे सामने बैठे हैं। बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर से ऐसे पूरा शिवरिंग हो रही है, मेरी बॉडी में गूज़बम्प्स इतने आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आई हुई संगत को ब्लेस करिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हो रही थी तो वहाँ पे आरती में एक आता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चीज आती है जब वहाँ पे, तो मैं मन ही मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी ब्रह्मा भी आप, महेश भी आप, सब कुछ आप, विष्णु भी आप। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरु जी ने थ्री फेस वाला स्वरूप जो होता है, जिसमें आपकी फेसेस थ्री है, तो वो प्लीज आप मुझे ब्लेस करें। मेरे पास है नहीं, मेरी बड़ी मनोकामना अंदर से हो रही है कि मेरे पास ये स्वरूप आए। तो ऐसे मन में सोच रही थी और कुछ बोला नहीं मैंने। तो जब आंटी जी वहाँ पे आरती खत्म हुई, आंटी जी ब्लेसिंग बांट रही थी, तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हाथ में वही स्वरूप आया पैकेट में, तो मैंने ऐसे देखा तो पीछे से चरण स्वरूप था, मैंने कहा जय गुरु जी, ऐसे किया तो देखा वही थ्री फेस वाला स्वरूप मेरे हाथ में था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो ये लंगर प्रसाद है, अगर आप यहाँ पे फिनिश करोगे तो ये आपके लिए मेडिसिन है, और अगर ये घर लेके जाओगे तो ये समोसा प्रसाद होगा या कुलचा प्रसाद होगा। तो संगत जी मेरे से आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि सारे ये लंगर प्रसाद फिनिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, और ये जो कल के ही ब्लॉग के कुछ मेरे पास क्लिप्स पड़े थे, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग में मैं डाल देती हूँ ये सारे क्लिप्स। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो लाल कलर की ये लटकन लगी हुई है, तो इसकी क्या स्टोरी है, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, तो आपको संगत जी मैं बताती हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था संगत जी, इसीलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर सकी। तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी क्लिप्स रह जाएंगे मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो संगत जी, बीइंग ह्यूमन, जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि गुरु महाराज जी साक्षात है, और जब हम उनका सत्संग कराते हैं तो वह ज़रूर आते हैं, अपनी गद्दी पे बैठते हैं और अपनी होने की कोई ना कोई निशानी देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो वैसे ही दूर बैठे बैठे मैं मन ही मन गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी अगर आप यहाँ आए हो तो मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दो। तो ऊपर पंखा बिल्कुल बंद था, बिल्कुल शांत था पंखा, और बिल्कुल पीछे कोने में ऐसे चल रहा था, और यहाँ हवा का कोई नामो निशान नहीं था। ये थाली पे ये कपड़ा एक बनाया है जिससे कि जो प्रसाद होता है उसे ढका गया था, और इसमें ये पांच लटकन लगे थे संगत जी, जिसमें से ये बीच वाला एक लटकन हिलता जा रहा था बिना किसी हवा के, बिना किसी जोर के। वहाँ आई हुई और भी संगत ने इसके दर्शन किए कि कैसे ये सेंटर वाला ये जो गोल सा राउंड सा लटकन था कैसे हिल रहा था, गुरु महाराज साक्षात दर्शन दे रहे थे, अपने होने का प्रमाण दे रहे थे संगत जी। तो वही हो गया कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं जब तक वो हमें किसी न किसी रूप में दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन बनाने में हमारी कमी होती है। तो कनेक्शन बनाना है तो ऐसा बनाइए कि प्रभु हमें प्रमाण ना भी दें, तो तब भी हमारे मन में इतना इतना दावा हो, इतना पक्का विश्वास हो कि हमारे सामने बैठे हैं, हमारे पास हैं, हमारे अंग संग हैं। तो बिल्कुल भी दिल में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बस उनकी, मैं कहती हूँ उनकी
लीला में डूबे रहो, उनमें लीन हो जाओ, अपना कनेक्शन बनाओ, आगे पीछे वालों को मत देखो। तो ये मेरा एक सत्संग था संगत जी, जो कल का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो इसलिए मैं कल शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने आज सोचा आपसे साझा कर लूँ। तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ संगत जी इन्हीं दर्शनों के साथ। और जिन जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं है संगत जी, इसलिए मैंने आज ये जो क्लिप्स रह गए थे ये डाल दिए। तो लगा दीजिए जयकारा 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 बोल दरबार, जय जयकारा प्यारे गुरु महाराज का, बोल दरबार, जय जय गुरु जी।